नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। उपायुक्त शेखर जमुआर के निर्देश पर मांझियाओं बाजार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इस अवसर पर पुराने अस्पताल से राधा कृष्ण बालिका उच्च विद्यालय तक अतिक्रमण हटाने के दौरान कई स्थानों पर जेसीबी मशीन का उपयोग भी किया गया तथा अतिक्रमण करने वाले 35 लोगों से 17,500 रुपए का चालान काटा गया, जबकि सिंटेक्स पानी टंकी 2, चापाकल का मुंडी 1, 4 इंच का फाइबर पाइप 17 पीस, दरवाजा गेट का पल्ला 2 पीस, गमला 6 पीस तथा दुकान का साइन बोर्ड 15 पीस, खराब छोटा पंप सामान जब्त कर ट्रैक्टर ट्रॉली पर लाद कर नगर पंचायत कार्यालय लाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान कई बार प्रशासन एवं दुकानदारों में गर्मा गर्म बहस भी हुई। इसके बाद भी प्रशासन अपना काम करता रहा और जहां पर सड़क या नाली के ऊपर छज्जा या दुकान का बोर्ड दिखा उसे जेसीबी से तोड़ दिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर पंचायत प्रशासन द्वारा सड़क के अगल बगल में खड़े लगभग 12 मोटरसाइकिल का भी चालान काटा गया और जुर्माना वसूला गया। इस संबंध में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि पिछले 2 दिनों से अतिक्रमण हटाने को लेकर ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है तथा मीडिया के माध्यम से भी सूचना दी गई थी। इसके बाद भी कुछ दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, जिसे हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि उपायुक्त द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मांझियाओं में दुकानदारों एवं वाहन चालकों द्वारा किए गए अतिक्रमण को देखकर नाराजगी व्यक्त की गई और सड़क सुरक्षा सप्ताह की बैठक में अतिक्रमण जल्द हटाने का निर्देश दिया गया था। कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि मोटरसाइकिल से लेकर सभी तरह के वाहन अगर सड़क के बगल में खड़े पाए जाएंगे तो तत्काल चालान काटा जाएगा। अगर वाहन लगाना है तो सड़क के दोनों ओर की नालियों तक छोड़कर अन्य खाली स्थान पर वाहन लगाएं। वैसे बाजार समिति परिसर में एक स्टैंड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में पुराने अस्पताल परिसर, कोयल नदी के तट पर पानी टंकी घाट एवं ब्लॉक मोड़ अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने अस्थायी रूप से स्टैंड बना दिया जाएगा, जहाँ पर यात्री वाहन अपने वाहन खड़ा कर सकते हैं और गढ़वा बडीहा एवं सुंडीपुर की तरफ जाने वाले सभी वाहन नंबर सिस्टम के अनुसार चलेंगे, जिससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी। ब्लॉक रोड में अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि जिला में मीटिंग है इसलिए नहीं किया गया। साथ ही कहा कि ब्लॉक रोड में रविवार को मापी किया जाएगा और उसके बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द सड़क निर्माण विभाग को जल्द ही मेन सड़क को बनवाने के लिए कहा जाएगा। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश कुमार के अलावा अंचल पदाधिकारी रामजी प्रसाद गुप्ता, थाना प्रभारी विवेक कुमार पंडित, सीआई प्रभारी रामरक्षा सिंह, धनलाल उराव, अमीन राजा राम मेहता, राकेश कुमार पाठक, अनूप कुमार तिवारी, अमित पाठक, विकास सिंह के साथ पुलिस बल भी शामिल थे। जी, माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हमारी यातायात सुरक्षा को लेकर बैठक हुई थी और उनके द्वारा इस बात पर प्रकट किया गया था कि मझियाओं नगर पंचायत में अतिक्रमण करके जो सड़क है और फुटपाथ है उससे हमारे यहाँ जाम की समस्या हो रही है। तो उसके लिए हमने एक बैठक की थी हमारे जो माननीय सीओ सर हैं और थाना प्रभारी जी के साथ में, जो प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी जी हैं उनके साथ में। उसमें निर्णय लिया गया था कि जो हमारा मुख्य मार्ग है और जो ब्लॉक मार्ग है इन सब पर अभियान चलाया जाएगा। तो आज जो हमारा अभियान चला है, हमारा मुख्य पथ पर चला है और इसमें जो हमारा जो फाइन के रूप में हमने वसूली की है वो लगभग 15,000 रुपये की वसूली की है और जो शेड होते हैं, टीन होते हैं, जो खूटा होता है और जो टेंट के दोनों स्टार लगाए रहते हैं उसका हमने जब्त किया है। इसके अतिरिक्त कुछ जनरेटर्स थे और सिंटेक्स है, कुछ पाइप्स है, इन सबको हमने जब्त किया है। इसके लिए भी हमारा जनता से यही निवेदन होगा कि हमारा मकसद आपको तंग करना नहीं है, हम आपका सहयोग चाहते हैं, आप भी सरकार का सहयोग करें। लेकिन हाँ, सरकारी भूमि पे कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है, चाहे वो सरकार का अधिकारी खुद ही क्यों ना हो। सर, ब्लॉक रोड जो अभी आ गया उसमें जी आज हम लोग फिर से माइकिंग का हम लोग करेंगे और कल हमारा छुट्टी का दिन है, लेकिन तब भी हम लोग हमारा ये अवेयरनेस कैंपेन चलेगा इस चीज़ को लेकर के और हम लोग फिर से 1-2 दिनों के बाद हम लोग जो ब्लॉक मार्ग है हमारा उस पर हमारा जो बाईपास है इन सब पर हम लोग अतिक्रमण मुक्त अभियान फिर से चलाएंगे। सर, जनता का मांग है कि आखिर स्टैंड है नहीं नगर पंचायत जी, स्टैंड को लेकर के हमारे जो बैठक हुई थी उसमें हम लोग अभी फिलहाल के लिए 3 जगह पर अस्थायी पार्किंग के लिए हम लोग उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार उसकी व्यवस्था कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग एक अस्थायी स्टैंड हमारा अम्बेडकर चौक है उसके पास में 3.5 फीट का स्ट्रेच है उसमें हम लोग अस्थायी पार्किंग निर्माण करवाएंगे। इसके अतिरिक्त गढ़वा जाने वाले जो भी बस होंगे, ऑटो होंगे, उसके लिए बस स्टैंड के लिए या तो पुराना अस्पताल के कैंपस में ही या फिर हमें कहीं अन्य जगह मिल जाता है तो वहाँ पर हम लोग फिर बस स्टैंड बनाने के लिए प्रस्ताव विभाग को भेजेंगे। सर, जनता की तरफ से अभी आपसे मुलाकात करने का और कुछ मांग रखने का समय लिया गया उसके बाद जी, जनता को जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि
उन लोगों को शायद ज़्यादा ही ओवर हो जा रहे थे, इस चीज़ को समझ नहीं रहे थे कि फ्लैट भी है। मैं यही कहूँगा कि आकर के आप ऑफिस में अपनी बातों को रख सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, किसी प्रकार का किसी से पक्षपात नहीं किया जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, सड़क के किनारे जो लगे हुए बाइक का भी जो चालान किया गया है, तो उसको लेकर के सर क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, जी सड़क मार्ग पे भी जो हमारा पेवर ब्लॉक है, फुटपाथ है, उस पर किसी प्रकार का अस्थायी अतिक्रमण नहीं करना है। बाइक वगैरह कोई लगा रहा तो अतिक्रमण के श्रेणी में ही आएगा, इसलिए उसका चालान किया गया है। सर, मार्केटिंग करने अगर आते हैं, अगर जी उसके लिए हम लोग विकल्प दे रहे हैं उन्हें, या तो पेवर ब्लॉक के उधर करें, पेवर ब्लॉक के उधर भी बहुत सारी गाड़ियाँ थी, उनका चालान नहीं किया गया है। जो पेवर ब्लॉक के इधर थे उधर वहीं पर किया गया है, कि जो नाली का स्लैब होता है उसको आप लोग क्रॉस ना करें, उसके उधर आप लोग करें। और इसके अलावा हम लोग अभी बाइक्स के लिए खास करके तीन जगहों पर हम लोग पार्किंग के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, जो हमारा दो कम्युनिटी टॉयलेट है उसके पास में, और एक हमारा पुराना अस्पताल है, वहाँ पे भी लोग बाइक की पार्किंग कर पाएंगे। तो इससे उम्मीद करते हैं कि कुछ को निजात मिल ही पाएगी लोगों को जाम से। अभी जो सामग्री जब्त किया गया है जी, वो क्यों जब्त किया गया? ये सामग्री इसलिए जब्त किया गया क्योंकि जनता को हमें एक सख्त मैसेज देना है। हटिए तो जाइए ना, अपना काम कीजिए, क्या इसमें लगल है? ऐसे सब काम कर रहे हो? अरे पीट
ये सब आता है।